प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ माँ देवी अपराजिता के भव्य दरबार में। प्रिय दर्शकों, माँ देवी की कृपा से अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कुल को धन्य कर लीजिए। उनकी असीम कृपा से सकारात्मक ऊर्जा, जीवन में आनंद की अनुभूति और जीवन में सर्व सुख को प्राप्त कर लीजिए। आइए दर्शकों, माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। जय देवी अपराजिता, त्रिलोकी देवी, महादेवी, महाशक्तिशाली देवी अपराजिता को प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक नमन करते हुए पुष्पांजलि समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शंखनाद करेंगे। शंखनाद से माँ देवी और प्रसन्न मुद्रा में आ जाएगी। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, जो सोचोगे वो आपकी मनोकामना माँ देवी पूर्ण अवश्य करेगी। हमारे कुछ प्रियजन इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, उनको हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाएंगे और इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मैं सुरेश सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। सुरेश सिंह बेटा अपनी उम्र बताएं। मैं गुरुजी, मेरी उम्र है 51 है। मैं बच्चों के लिए गाना चाहता हूँ। जी बेटा अपने बच्चों का नाम बताएं। पहले तो गुरुजी मैं प्रभु दरबार फाउंडेशन को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जी कुछ उपाय मैंने किए हैं, मेरे घर पे बहुत शांति मिली है। जी जी बहुत बहुत बेटा शुभकामना। प्रभु दरबार को हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। मैंने दो तीन उपाय किए टीवी चैनल को देखते हुए, जो प्रोग्राम चलता है यहाँ पे, तो उसके मुताबिक मैंने दो तीन उपाय किए थे। उसी उपाय से मेरे घर पे बहुत शांति बनी रहती है। जी परमात्मा आप पर सदैव कृपा आगे भी बनाए रखेगा। देवी की कृपा बड़ी अपरंपार है। एक बार बेटा मुझे अपने बच्चों का नाम बताइए। बेटा लड़के का नाम है सुमित और लड़की का नाम है शिल्पा। जी बेटा सुमित कितने वर्ष का है? 2600 साल। और बेटी शिल्पा कितने वर्ष की है? बेटा 2200 साल। एक से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलो। 11 नंबर। तीन बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। बेटा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा बच्चे आपके दोनों बेटा बुद्धिमान हैं, अवश्य जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। और आपका जो बेटा है इसको बेटा सरकारी नौकरी का अभी इस वर्ष पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ये बच्चा सरकारी पद को अवश्य प्राप्त कर लेगा और जिससे बेटा आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बेटी भी बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, आगे जीवन में सफल रहे, सुखी जीवन इसको प्राप्त हो। आपको बेटा दोनों बच्चों के लिए बेटा बृहस्पति और थोड़ा बेटा सूर्य का विशेष आपको कार्य करना है।
अच्छा ये बताओ बेटा, अभी कुछ सरकारी नौकरी के बेटा आगे बढ़ना चाहता है बेटा? अभी कुछ नंबर से, एक दो नंबर से थोड़ा सा रह गया था, अभी उसने फॉर्म भरा था जी, तो उसमें अभी वो सफल नहीं हो पाया था। अभी काम कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना, आप बिल्कुल निराश ना हो बेटा, आपका बेटा बेटी बेटा दोनों सफल होंगे और जीवन में इनका सुंदर भविष्य बन जाएगा। एक तो दोनों बच्चों को बोलिए बेटा, सूर्य देवता की रोज पूजा करें, सूर्य को रोज जल देना है, उस जल के अंदर 7 लाल मिर्च के बेटा बीज डालने, और बेटा थोड़ी आर्क औषधि प्राप्त करनी है बेटा, अर्क की औषधि। एक बेटा मिट्टी के दिए में रोजाना सुबह सूर्योदय काल में थोड़ा कपूर जलाना है, और पूरब की तरफ मुख करते हुए बेटा बेटी दोनों को, बल्कि आपको भी, सबको बेटा साथ साथ आहुति बेटा उस कपूर के ऊपर अर्क औषधि की बेटा डालनी, इससे सूर्य की बड़ी महिमा आपको बेटा प्राप्त होगी और सूर्य की पवित्रता प्राप्त होगी। दोनों बच्चों को बेटा गुरुवार से 43 दिन तक लगातार माथे पर केसर का तिलक लगाना है बेटा। थोड़ा सा दोनों बच्चों पर सूर्य पर पितृदोष है, बच्ची का शुक्र थोड़ा निर्बल है, बच्ची को बोलना किसी भी शुक्रवार को चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार को जाके मंदिर में दान कर ले, ऐसा करना उसके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और शुक्रवार को, हर शुक्रवार को थोड़ी मिश्री जाके मंदिर में दान करे। दोनों बच्चों को बेटा शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन अवश्य बेटा कंठ में विधिवत अभिजीत और शुभ मुहूर्त में बेटा इसको धारण करना है। और थोड़ा बेटा पितरों की शांति आप बेटा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा करवाएं, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा। बच्चों की अब चिंता मत करना, आज आप पर बेटा देवी की कृपा आप पर हो गई है, और बच्चे बस मेहनत करें। यह आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि अब बच्चे आपका, आपका बेटा कभी विफल नहीं होगा, कभी उसको किसी प्रकार की हताशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को हम कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुरुजी मनोज कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं यूपी फिरोजाबाद से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है सन 81 सर। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेके 36 के बीच में 6 नंबर। अपनी माँ का नाम बताएं। पीला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा जीवन में संघर्ष काफी हो रहा है, अपनी आमदनी रोजगार को लेकर बेटा सुखी और संतुष्ट नहीं हो। अभी कोई बेटा मैकेनिकल काम करते हो बेटा आप? जी गुरुजी। काम कुछ बंद सा हो रहा है बेटा आपका? काम चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। कोई बात नहीं बेटा, काम अवश्य चलेगा। थोड़ा इस वर्ष बेटा आपका बृहस्पति पीढ़ी चल रहा है। एक तो बेटा चमेली के पुष्प और गंगा जल आपको 5 गुरुवार बेटा मंदिर में जाके विष्णु जी के चरणों में चढ़ा के आने हैं। रोजाना माथे पर, कंठ पर, नाभि पर हल्दी का तिलक लगाओ। इसके अलावा गले में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना, और 16 गुरुवार छोटे गरीब बच्चों को बेटा कुछ केले यथाशक्ति जितनी आपकी जेब सहन करे, कुछ पैसों के केले खरीदकर एक एक केला कुछ बच्चों को बेटा अपने हाथ से बांट देना। और आपको बेटा पीपल पूजन करना है, हर गुरुवार को बेटा पीपल पर जल देना है, जल में थोड़ी हल्दी डालनी है, आपका बेटा कल्याण हो जाएगा। और थोड़ा बेटा इस वर्ष थोड़ा गुरु की शांति अवश्य कर लें, ताकि आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाए। दर्शकों, बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है,
आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, माँ को प्रणाम करो। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी सरोज बाला है। मेरा नाम सरोज बाला जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं दिल्ली से कर रही हूँ जी। जी अपना बेटा नाम बताइए पूरा। मेरा नाम सरोज बाला आनंद है। अपनी मैं अपने बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताओ। जितेंद्र कुमार आनंद। कितने वर्ष का है आपका बेटा? मेरा बेटा 40 साल का हो गया है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से लेके 36 तक ये 20। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा बच्चे का स्वास्थ्य खराब रहता है काफी बेटा? जी इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुछ बेटा इसके विवाह में बाधा आ रही है? हाँ जी शादी भी नहीं हुई। बेटा थोड़ा सा विशेष आपको समाधान करना है जिससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। एक हाँ तो बेटा आपको बच्चे को क्या करना है बेटा, गोबर हाँ। और बेटा गोबर के जो उपले होते हैं वो आपको हाँ। बच्चे के हाथ से बेटा आपको 8 शनिवार दान करवाने हैं। कुछ गोबर के उपले खरीद कर किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को बेटा बच्चे को बोलना अपने हाथ से कुछ बोरी में भर के उसको बेटा दान कर गया। ये प्रक्रिया 8 शनिवार करनी है और 8 मंगलवार थोड़ी शहद बच्चे को मंदिर में दान करवानी है। मंगल और शनि का दोष है उसकी बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा आपको शांति करवानी है। इसके अलावा शुद्ध पीतांबरी पुखराज और एक मुखी रुद्राक्ष बच्चे को गले में धारण करना है। ये उपाय बेटा कर लेना। बेटे को अच्छा। बोलना रोजाना 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज दिया करे, गाय माता को रोज गुड़ खिलाया करे और जिस बेड पे आप सोते हो उस बेड पर बैठ के आप लोगों ने कभी भी खाना नहीं खाना। प्रिय दर्शकों आप यदि इस कार्यक्रम को इस अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर जाएं, प्रभु दरबार टाइप करें, हमारे प्रभु दरबार पेज को फॉलो करें, शेयर करें। यूट्यूब पर यदि इस कार्यक्रम को सुबह और शाम को 4:30 बजे आप लाइव अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाएँ, आप उसको शेयर कर दीजिए, उसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएँ। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम ट्विंकल है। ट्विंकल बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? ट्विंकल नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट गंगानगर से बात कर रही हूँ। बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 22 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दीजिए। 24। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। ममता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम बेटा, जीवन में अच्छे राजयोग हैं बेटा, आपके प्रतिभावान हूँ और विदेश का बड़ा अच्छा योग है, लेकिन बेटा आपके जीवन में कुछ विदेश जाने में बाधा आ रही है बेटा। हाँ जी, एक बार तो आ गई है। अभी बेटा कुछ दोबारा फाइल लगाई है आपने? हाँ जी। बेटा आपका विदेश का योग इस साल तो बेटा पक्का है, थोड़ा सा बेटा आपको समाधान अवश्य लेना है। आपको बेटा सबसे पहले बेटा आसपास बेटा कोई मंदिर ढूंढिए जहाँ गणपति देवता की सुंदर प्रतिमा स्थापित हो। रोजाना बेटा मंदिर जाया करो और थोड़ा बेटा गणपति देवता को, आपको बेटा ताजी हरी दूर्वा गंगा जल कच्चे दूध से धोकर घास बेटा जो होती है वो गणपति को चढ़ाएं। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है, जायफल बाजार से लेकर आएं और उस जायफल को पत्थर पर घिसकर 41 दिन तक बेटा उसका अपने माथे पर आपको तिलक लगाना है और बेटा शुद्ध सूर्यकांत मणि और शुद्ध पन्ना रतन ये आपको अपने कंठ में बेटा धारण करना है। आपको बेटा राहु के प्रभाव के कारण अड़चन आ रही है, आपका पहले भी काम होते होते रुक गया। राहु का विसर्जन करें, हाथ में घड़ी आपने बिल्कुल भी नहीं पहननी, घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, जंग लगा लोहा, पुरानी वेस्ट दवाइयां और वेस्ट रद्दी ये घर पे ना रखें और घर की छत को बिल्कुल साफ कर देना और राहु का बेटा वैदिक अनुष्ठान के द्वारा बेटा शांति करवाएं। आपका बेटा कल्याण अवश्य हो और देवी अपराजिता का स्तोत्र रोज सुबह शाम बेटा सुना करो। इसी वर्ष बेटा 16 मई के बाद आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। समय का वक्त, यदि समय और वक्त के बारे में यदि कोई सीख लेनी चाहिए तो किसी आर्मी वाले फौजी को देखें, देखें कि उनके कितने कड़े नियम होते हैं। कभी मिली खुशियां, कभी गमों का सैलाब मिला, रिश्तों की भरमार थी पर कोई अपना ना दिखा। जिंदगी में दौड़ लगी थी आगे बढ़ने की, हर तरफ मिल रहा था वही सबको जो था वक्त ने लिखा। समय का महत्व, समय के सदुपयोग का बहुत महत्व होता है। अगर समय पर काम नहीं होता तो समय का सदुपयोग नहीं हो पाता, जिससे जीवन अभिशाप बन जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करने की इच्छा रखता है, वह हमेशा अपने जीवन में धनवान, बलवान, विद्वान बनना चाहता है। जब मनुष्य ऐसी इच्छा रखता है तो उसके समय के महत्व को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है कि जो व्यक्ति समय की अहमियत नहीं समझता उसकी समय भी अहमियत नहीं समझता और वह व्यक्ति जीवन में कुछ करने के लायक ही नहीं रहता। इस पृथ्वी पर सभी का अंत होना तय है, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत है। समय के साथ व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है और समय के साथ ही नष्ट हो जाता है। इसलिए इस जगत में समय का महत्व सबसे अधिक है और हमें समय का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा। कृपाराम जी। कृपाराम। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। मेरे गुरु जी 40 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। एक मिनट जी। चल 5। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। देना भाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, आमदनी रोजगार धन को लेकर चिंता बनती है, घर में पैसा रुकता नहीं है बेटा, आमदनी कम खर्चे ज्यादा, कोई प्रयास आपका सफल नहीं होता बेटा, ऐसा ही हो रहा है बेटा। अब बेटा आपका भाग्य उदय होने का समय आ चुका है, माँ देवी की बड़ी अपरंपार कृपा आप पर हो चुकी है, बड़े भाग्यवान है कि आज बड़े विशेष शुभ मुहूर्त में बेटा आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। एक तो बेटा सबसे पहले आपको एक नियम बनाना है कि हर मंगलवार को एक साबुत पान के पत्ते का बेटा आपको पान यानी बीड़ा बनवाना है, और दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में हर मंगलवार को बेटा आपने अर्जी लगानी है बेटा एक मीठे पान की। इसके अलावा बेटा थोड़ी खैर की औषधि लेके आना, रोजाना बेटा एक मिट्टी के दिए में थोड़ा कपूर जला के खैर औषधि की 7 आहुति रोज आपको देनी है, जिससे दुर्भाग्य का नाश होगा, दरिद्रता आपके घर से चली जाएगी। इसके अलावा बेटा रोज घर में 3 बेटा आपको पराठे बनाने हैं, नमक चीनी और घी डालकर, एक बेटा गाय को दिया करो, एक तोड़कर कुत्तों को डाला करो, एक तोड़कर कौओं को डाला करो, शुद्ध सूर्यकांत मणि रतन और एक मुखी रुद्राक्ष बेटा आपको अपने कंठ में धारण करना है, जिससे परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा आप पर हो। और घर में संध्या काल में बेटा एक बात का ध्यान रखना, रात्रि को हमेशा खाना अपने घर में नीचे आसन बिछाकर नीचे बैठ के खाया करो, उपाय अवश्य करना, और ग्रहों के अंदर राहु मंगल का बेटा शांति प्रक्रिया विसर्जन अवश्य आप किसी श्रेष्ठ विद्वान के द्वारा करवाएं। आइए दर्शकों प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ बेटा। जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम जौनपुर जिला से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 25 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। 6। अपनी माँ का नाम बताओ। माँ का नाम बिमला देवी है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ बंदी जी सुन। बेटा घर में बरकत और घर में सुकून और शांति बेटा नहीं है कुछ बेटा, पति पत्नी में तनाव अनबन चल रही है बेटा। हाँ बहुत चल रही है। एक बेटी भी आपके पास? हाँ एक बेटा एक बेटी है। बेटी के बेटा जन्म के बाद कुछ समस्या बड़ी है आपकी बेटा? हेलो। हाँ, बोली पंडित जी। बेटा बेटी के जन्म के बाद कुछ बेटा आपकी, आपको लगता है कि आपकी समस्या बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है। बेटा एक बात का ध्यान रखना बेटा, बेटी आपकी बड़ी भाग्यवान है, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा आपके पति की बुद्धि कुछ भ्रष्ट हो गई है कि वो बेटी के आगमन को बेटा आप खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं उनके आगमन पर, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपके घर में बेटा लक्ष्मी देवी का अवतरण हुआ है बेटा, बेटी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें,
क्योंकि आपके पति का पहले ही बुध पीड़ित है। यदि वो बेटी से भेदभाव करेंगे उससे बुद्धि और भ्रष्ट हो जाएगी, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक तो बेटा बेटी को बड़े सम्मान और आदर सम्मान के साथ उसका भरण पोषण करें। दूसरा बेटा आपको करना क्या है, हर मंगलवार की रात को थोड़े से साबुत मूंग की दाल आपको पानी में भिगो के रखनी है और बुधवार को बेटा उसको जाके पक्षियों को कबूतरों को डालना है, ये अपना नियम बना लो। बेटा किसी भी एक बुधवार को बेटा एक हरी साड़ी खरीद कर, कुछ दक्षिणा पैसे, कुछ हरे फल साथ में रखकर किसी किन्नर को बेटा आपके पति को दान करना चाहिए। इससे बेटा उनकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा। और इस समय आप पति पत्नी में काफ़ी तनाव चल रहा है, इसके लिए बेटा थोड़ा राहु और केतु की आपको बेटा विशेष शांति विसर्जन प्रक्रिया करवाएँ। राहु और केतु ग्रह जैसे शांत, जैसे ग्रह शांत होंगे तो आपके परिवार में जो पति पत्नी में जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जो आपस में तनाव बढ़ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। रोजाना बेटा एक घर में मीठा नमकीन पराठा रोज बनाया करो, बारीक टुकड़े करके उसको बेटा कौओं को रोज डालना है। रात को घर में रसोई साफ करके सोइए, जूठे बर्तन बचा गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना और शुद्ध पीतांबरी पुखराज रत्न बेटा आपको अपने कंठ में अवश्य धारण करना चाहिए। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। चंदन कुमार सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मधुबनी से। अपनी उम्र बताओ। 31। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माताजी का नाम बताइए। मुनि देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमस्ते। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी। बेटा रोजगार में कोई विशेष लाभ नहीं है बेटा, कुछ छोटा मोटा अपना कार्य करते कुछ जर्नलिस्ट हो रहा है आपका बेटा। जी। काम में कोई सफलता नहीं, कोई लाभ नहीं मिल रहा बेटा, परेशान रहते हो, मन बेटा उचाट रहता है, जबकि आप एक मेहनती व्यक्ति हो बेटा। अब आपको बेटा कुछ उपाय करने हैं बेटा केतु से संबंधित, जिससे आपका रोजगार बढ़ेगा। एक तो बेटा जहां भी अपना कार्य करते हो, जहां आपका स्टोर है, वहां पर उत्तर और पूर्व के कोण में एक कांच की बोतल में बेटा, ट्रांसपेरेंट कांच की व्हाइट बोतल में गंगा जल भर के सोमवार को स्थापित करना है। इसके अलावा बेटा आपको अपनी स्थान पर बैठकर जहां व्यापार करते हो, किसी भी बुधवार को 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, एक काले रंग का कंबल और कुछ बेटा 10-11 रुपए दक्षिणा साथ में रख देना, किसी मांगने वाले दरिद्र पुरुष को दान कर देना। रोजाना बेटा सूर्यास्त के बाद रात्रि काल में कुत्ते को दूध पिलाया करो और शुद्ध पन्ना रतन और एक मुखी रुद्राक्ष बेटा आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके अलावा कभी शराब नहीं पीना, कभी पान बीड़ी गुटखा तंबाकू सेवन नहीं करना, कभी जीवन में किसी को शराब नहीं पिलाना। ये बातें बेटा यदि आप अपनी गांठ बांध लोगे तो जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों इस कार्यक्रम में हम आगे, अभी समय हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे पा रहा है, समय का अभाव है और मैं आपसे इजाजत देना चाहूंगा, लेकिन चिंता ना करें, जिनकी कॉल नहीं लगी अभी कॉल करते रहें, आपकी कॉल हम लेते रहेंगे, कॉल बंद नहीं होंगी, लेकिन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। और आज के लिए इतना ही, कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से लाइव प्रोग्राम में आएंगे, माँ देवी की अपार कृपा और उनकी शक्ति की कृपा को प्राप्त करके। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों चलते चलते माँ देवी को हम पुष्प अर्पण करेंगे, इन पुष्पों से माँ देवी प्रसन्न हो जाएगी और हम पर और कृपा हमें प्रदान कर देगी। ये पुष्प आप सबकी तरफ से अपने अपने हाथ
आगे फैलाएं और माँ को प्रणाम करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे त्रिलोकी देवी, हे विष्णु द्वारा रचित महाविद्या महाशक्ति, जिनके चरणों में भयभीत होकर यमराज विराजमान रहते हैं और जिनके सामने सभी देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, हम आपको प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक और आपको नमन करते हुए पुष्प समर्पण कर रहे हैं। जय देवी अपराजिता देवी मैया को पुष्पम समर्पयामि। प्रभु दरबार भक्ति